महाराष्ट्र में जीत के लिए अमित शाह का बड़ा प्लान। महायुति सरकार आने पर महाराष्ट्र में लागू होगा यूसीसी। महाराष्ट्र के सीएम उम्मीदवार पर अमित शाह का बड़ा खुलासा। अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खेल किया खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है और सभी दल अभी से ही चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे और मुंबई में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की जीत के लिए एक मंत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से मुंबई में यह बैठक की है, इस बैठक ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज कर दी है। और इतना ही नहीं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की टेंशन भी बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर सीधे तौर पे अमित शाह ने कई सारी चुनावी रणनीति को लेकर के प्लान साझा किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि किस तरीके से चुनाव में लगा जाए, डटा जाए और वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, महायुति की सरकार बनाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह अभी से ही ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की तरह यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में अमित शाह ने दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी, ये तो तय है। महायुति को रोकने की ताकत किसी पार्टी में नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस सक्षम है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी भले ही महायुति की सरकार बनेगी लेकिन साल 2029 तक बीजेपी खुद के दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने मुंबई पदाधिकारियों की बैठक में यह स्पष्ट किया कि महायुति सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को पूरे जोश से चुनाव में काम करने की नसीहत दी है, सलाह दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि 10% वोट बढ़ाने से बीजेपी की कम से कम 20 से 30 सीट का इजाफा हो सकता है। पार्टी में अन्य दलों से लोग आने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। अब जिस तरीके से मुंबई में यह बैठक की गई तो इसमें कई सारे नेता भी पहुंचे और जब अमित शाह के इस बैठक से वो बाहर निकले तो उन्होंने अपनी अपनी राय भी दी और ये बताया कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। इस बीच बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी का भी बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने इस बैठक को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। अमित शाह जी ने जो प्रेरणा और ऊर्जा दिया है हर एक कार्यकर्ता को, सिर्फ बड़े पदाधिकारी को नहीं, जमीनी स्तर से बूथ लेवल से लेके वार्ड तक मंडल पे जो काम करना चाहिए, कैसे वोटों लोगों को बाहर लाना चाहिए, कैसे लोगों को जागरूक करना चाहिए। 2019 में जो आपको याद है तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट ये था कि 17 सीट हम लड़े मुंबई में और 16 जीत के आए। इस बार हमें यकीन है कि महायुति की सरकार बिल्कुल जीत के आएगी क्योंकि इतने सारे सार्वजनिक काम हुए हैं। कोस्टल रोड देखो, मेट्रोज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बीडीडी चौल देखे, स्लम रिहैबिलिटेशन देखे, तो बात करने के लिए बहुत कुछ है। और लोग जो नकारात्मक है वो सिर्फ बोलेंगे कि विद्यार्थी जिसको 90% मिला उनको 80 मिला या 70, लेकिन जीत तो जीत होती है। और यहाँ तीन पार्टीज जिन्होंने सेवा के रूप में महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है, वहाँ एक चीज स्पष्ट है कि 2024 में हम महायुति की सरकार जरूर जीत के आएगी। लोकसभा में भी आप देखें तो महायुति को 2 लाख ज्यादा वोट मिले महाविकास अघाड़ी से। और यहाँ स्पष्ट है कि 2019 में मुंबई का स्ट्राइक रेट ये था कि बीजेपी जिन्होंने 17 सीट लड़े वहाँ 16 आमदार हमारे जीत के आए। इतने सारे काम हुए हैं हमारे महाराष्ट्र में और वो भी अमित भाई ने उजागर किया, लेकिन लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ता जिसके हाथ मजबूत है,
पोलिंग बूथ से लेके मंडल से लेके वोटर को बाहर लेके आना, ये जागरूकता और अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ सक्रिय रूप से काम करना आज के दिन शुरुआत होती है। जीत होगी तो सिर्फ महायुति की, और प्रेरणा ऊर्जा जो अमित भाई ने दिया है उससे एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन जो काम करने की पद्धति है वो सबसे सक्रिय है कार्यकर्ता के निमित्त, और कार्यकर्ता को ऊर्जा और प्रेरणा मिला है। देखिए, हर एक पार्टी सोचती है कि उनके पार्टी के मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार बने। सच्चाई ये है यहाँ तीन पार्टीज जो सत्ता के मोहमाया के लिए नहीं लेकिन जनहित में काम करने के लिए महाराष्ट्र के प्रधान सेवक के रूप में आए हैं, और महायुति की सरकार इतनी मजबूत है कि हमारी अलायंस रहेगी बरकरार और हम जीत के आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। आते हुए दिन में देखते हैं, क्योंकि हम सब विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, कार्यकर्ता के साथ साथ महाराष्ट्र के जनहित में काम करना यही एक लक्ष्य है, बाकी चीज हमारे नेतागण तय करेंगे। इनके अलावा बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बारे में अपनी बातों को साझा किया है। हमारे नेता माननीय अमित जी शाह महाराष्ट्र में सभी विभागों में इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि 2024 में विधानसभा में महायुति की ही सरकार बने। उन्होंने यही कहा, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा में महाराष्ट्र में अपेक्षा के अनुसार हमें मतदान नहीं हुआ, इस बार बूथ लेवल पर हमारा प्रतिशत बढ़ा है और हमारी महायुति की सरकार आए, इस प्रकार का मार्गदर्शन किया। अभी वो कुछ तय नहीं हुआ है, उन्होंने केवल कार्यकर्ता को बताया है कि महायुति के लिए, धनुष बाण के लिए, कमल के लिए और घड़ी के लिए काम करना है। गुस्से होंगे लोग, विशेष करके कहने का मतलब अमित शाह जी ने हुंकार भरी है और कार्यकर्ता को बूथ तक पूरा प्लानिंग करके साथ में साथ काम करना है और डट के काम करना है। विशेष करके लोग इसमें से एक हिस्सा बढ़ चढ़ के लेंगे और युति सरकार की जो है शिवसेना और भाजपा सरकार जो साथ में एकजुट होकर करेंगे सरकार बनाएगी, और विशेष करके जो गाय माता का जो जिक्र किया, गाय माता को राज माता यहाँ पे हुए तो राष्ट्र माता भी होगी 100%। विश्व से बड़ी गौशाला बहुत है, लेकिन विश्व के सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा राजस्थान में है, तो उनका भी समझो हम लोग एक आदर करते हैं। ऐसे ऐसे कहीं हर जगह पे हमारी माँ है, गाय माता है, गौ माता को दार द्वार भटकना नहीं देखना चाहते। ये हिंदू समाज एकत्रित है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठित है और एकत्रित होकर कहने का मतलब आह्वान करते हैं। कल जो शिंदे सरकार ने जो कल अपना जो बड़े गुरु महंतों के साथ जगत गुरुओं के दो दो जगत गुरु, ऐसा कहीं नहीं हुआ, दो दो जगत गुरुओं के साथ ये जो प्रणय लिया, निर्णय लिया और पूजा पाठ करके जो उन्होंने आह्वान करके साथ जो गौ माता को राज माता का दर्जा किया है, तो उसके लिए वोट 100% बनेंगे। क्यों? और लोगों को इतना आत्मविश्वास है, वो नहीं किया, लेकिन 100% इस बार भारी जोर जोर से 100% ये भाजपा और शिवसेना की सरकार आएगी और अपना जो महानगर पालिका में भी भाजपा सरकार 100% में यहाँ पर बनाएगी, ये उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इतने कार्यकर्ता जो खुश थे, विशेष करके खुश थे, और लोगों ने जो एकदम डिसिप्लिन अनुशासन की ये मीटिंग थी, ये अनुशासन के साथ मीटिंग थी, समय पे चालू हुआ और समय पे पूर्ण हुआ, और उनका जो कहना यही था, एक ही हुंकार भरी थी अमित शाह जी ने, जो राष्ट्रीय हमारे नेते हैं और कहीं ऑल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, उन्होंने भी जिक्र किया बातों में कि सबकी के साथ रहकर संग कंधे में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़ के और भारतीय जनता पार्टी को विजेता बनाना है। यही विशेष करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्तु भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। इसका ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ही किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 26 नवंबर तक करा लिए जाएंगे। आयोग ने विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं और तैयारियों का जायजा भी लिया है। अब जिस तरीके से फिलहाल चुनाव
आयोग की ओर से ये तो कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले पहले तक ये चुनाव करा लिया जाएगा, यानी कि 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके होंगे। लेकिन जहां तक ये चुनाव की तारीखों की बात है, तो वहीं अगर हम अन्य पार्टियों की तैयारियों की बात करें तो अन्य पार्टियों में लगातार इस बात को लेकर के विवाद बना हुआ है कि कौन कौन से इलाके से किन्हें किन्हें टिकट दी जानी है, कौन मुख्यमंत्री पद होगा या फिर किसे कितनी सीटें मिलेंगी। बात अगर हम कांग्रेस की करें, उद्धव गुट की, शिवसेना की करें या फिर शरद पवार गुट के एनसीपी की करें, तो ये तीनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार मतभेद की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही सीट बंटवारे को लेकर के भी टेंशन लगातार इनके बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात अगर हम महायुति की करें, यानी कि जहां पर शिंदे गुट की जो पार्टी है और इसके अलावा जो अजीत पवार की एनसीपी है और बीजेपी है, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।